हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और मेरे चैनल स्पाइसेस ऑफ होम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ मावा के लड्डू शेयर करने वाली हूं, वो भी चॉकलेटी सरप्राइज के साथ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन में एक छोटे चम्मच देसी घी ले लिया है, 1/3 कप दूध ले लिया है, वजन में नापे तो 80 ग्राम दूध है, 2 टेबल स्पून के करीब हमने घर की मलाई ले ली है। अब हम इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इंस्टेंट खोआ बनाना है, फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखेंगे। फ्रेंड्स, ये लड्डू खाने में जितने टेस्टी हैं, बनाने में उतने ही आसान हैं और बन के भी जल्दी ही तैयार हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे 1 कप मिल्क पाउडर ले रहे हैं, आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। मैं यहाँ मदर डेयरी का मिल्क पाउडर यूज कर रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमें इसे लगातार चलाना है। स्पैचुला की सहायता से घुटनियाँ फोड़ते जाएंगे, इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए, इसीलिए हमें इसे लगातार चलाना जरूरी है। और ये देखिए, 2 से 3 मिनट लगातार चलाते हुए ये खोया तैयार हो चुका है। अब हम इस खोए को एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, इस इंस्टेंट मावा को आप किसी भी रेसिपी में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा ही टेस्ट आता है इसका। अब हम इस खोए को थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, उसके बाद हम आगे की सामग्री इसमें डालेंगे। 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद चेक करते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से एकदम मार्केट स्टाइल खोया हमने घर पे ही बना लिया है। अब हम इसमें 1/2 कप बूरा डालेंगे। बूरा डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप बूरा कम या ज्यादा ले सकते हैं, जैसा आपको मीठा पसंद हो। इसको हाथों की सहायता से अच्छे से मिला लेते हैं। अगर आपके घर कोई गेस्ट आने वाला है तो आप झटपट से इन लड्डू की रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। मावा में बूरा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें से 2 टेबल स्पून के करीब मावा अलग निकाल लेंगे और उसमें 1/2 छोटा चम्मच कोकोआ पाउडर डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी लड्डू की फिलिंग होगी चॉकलेटी फ्लेवर में। ये देखिए, दोनों मिक्सचर रेडी हैं। अब हम हाथों पे थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे और जो हमारा चॉकलेट वाला मिश्रण है उसकी हम छोटी छोटी सी गोलियां बना लेंगे। इन्हें हमें मावा के लड्डू के अंदर स्टफ करना है, स्टफिंग रेडी करनी है इससे हमें। तो मैं सारी गोलियां बना लेती हूँ छोटी छोटी सी। ऐसे हमने देखिए सारी बॉल्स बना के रेडी कर लिए। अब हमें व्हाइट पार्ट लेना है मावा का। फिर से हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लीजिए और अब व्हाइट वाला मिश्रण लेंगे, थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेंगे और इसको हाथों की सहायता से पहले फ्लैट कर लेंगे। और अब इसके अंदर एक एक जो हमने चॉकलेट वाला बॉल्स बनाया है वो रखेंगे और इसको सील कर देंगे। और वापस से हाथों की सहायता से राउंड करके हम लड्डू की शेप दे देंगे। ये देखिए, हमारा लड्डू बनके तैयार है। इसी तरह से हम बाकी भी बना लेंगे। फ्रेंड्स, आप इस लड्डू की रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपके घर में ये सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये लड्डू झटपट बनके तैयार हो जाते हैं। सिर्फ 1/2 घंटे में आपके मावा लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने लड्डू बना के तैयार कर लिए। अब हम इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। 20 मिनट बाद मैंने लड्डू को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे लग रहे हैं देखने में। ये देखिए फ्रेंड्स, बाहर से मावा का टेस्ट और अंदर से चॉकलेट का टेस्ट, ये आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।